कमेंट आया है पे, इन्होंने कमेंट किया है कि जो है मैंने पेटीएम सर्विस एजेंट में 4 दिन काम किया और छोड़ दिया, रिजाइन कंपनी नहीं ले रही है, पैसा मांग रहा है, क्या करें, ईमेल करें, अकाउंट नंबर दे रहा है। तो दोस्तों इन्होंने अखिलेश कुमार ने एक कमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को घबराना नहीं है इसको लेकर। आपने 4 दिन काम किया तो वो आपको रिकवरी के लिए मेल कर रहा होगा और अकाउंट नंबर सारा कुछ आता है। आप लोगों को इतना परेशान कर लेते हैं कि आप पेमेंट करिए, आपने कंपनी छोड़ी है, ऐसा शो करते हैं। ऐसा दोस्तों ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कम से कम 1 महीने काम किया था, उसमें मेरा पैसा भी फंस गया था और फिर उसके बाद मैंने और टीएल ने जोड़ दिया कि आप रिजाइन डालो, आप काम अच्छा नहीं कर रहे हो। सॉरी गाइस फोन आ गया था। तो कंपनी मेल के ऊपर मेल करती रहती है कि आप पैसा दीजिए। हाँ मैं ये बोल रहा था कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और टीएल ने खुद से मेरे से बोला कि प्रेशर किया कि आप रिजाइन डालो उधर से, मैं आपका FNAP करवाता हूँ, फलान फाइनल करवा देता हूँ, आप नहीं करना चाहते तो मत करिए। मैंने कहा ठीक है सर, करवा मैं कर दे रहा हूँ, मैंने मेल कर दिया दोस्तों, ठीक है। मेल करने के बाद उसका फिर मैनेजर का फ़ोन आता है, मैनेजर का फ़ोन आता है, बोलता है कि आपने रिजाइन क्यों डाला, आपने आप पहले क्यों छोड़ा, पूरा आपको 15 दिन का टाइम लेके रिजाइन डालना था, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ बोल रहा था और फिर उसके बाद उसकी बात हो गई, फिर वहाँ पे फिर उसके बाद एचआर फोन कर मेल करता है, एचआर मेल करता है, बोलता है कि आपने आपने जो है कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पे जो रिकवरी मेल डालता है उसको आप पेमेंट करना पड़ेगा कंपनी को। तो मैं घबरा गया था, ऐसे ही जैसे आप घबरा रहे होंगे, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। आप उस मेल को जो मेल आया है एचआर की, तो उसको ऐसे ही आने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पैसा जो पेटीएम का है वो मिलने वाला नहीं है, ठीक गाइस, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ कि जो पैसा है वो नहीं मिलेगा, वो पैसा आपका है, तो उसको छोड़ दीजिए। और टीएल जो है, सॉरी, जो टीएल है आपका, उसको गाली भी नहीं देना है, चार से भी झगड़ना नहीं है, जो चार है आपका उससे भी फाइट नहीं करनी है आप लोगों को। कोशिश करिए कि आप लोग जो है आपने 4 दिन किया तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। किसी से आपने आपको किसी ने लगवाया है तो आप उसके थ्रू लगे हो, तो उसको मेल करने दीजिए एचआर को, टीएल से भी जो है बात नहीं करना है। अभी आपने छोड़ दिया जो मेल आ रही है उसको, जो मेल आ रही है आपकी उसको आने दीजिए, ठीक है। और दोस्तों मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा परेशान होते रहते हैं, पेटीएम में काम लगवा दो, क्यूआर काम करवा करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे। दोस्तों बहुत मारा मारी होता है इस पर, मैं रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को मैं इसमें मैंने खुद काम किया गाइस, मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, टाइम की बर्बादी है। अगर पूरे टीम में कम से कम अगर 20 लड़के हैं काम करने वाले, तो प्लस 4 लोगों को पेमेंट टाइम पे मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। मैंने खुद ऐसा खुद देखा है, मैंने 1 महीना पूरा काम किया है, 1 महीना काम किया है और पेमेंट भी नहीं मिला है मेरा, ऐसे ही मेल आया था। तो क्यों आप लोग टाइम बर्बाद कर रहे हो दोस्तों, मैंने पहले वीडियो बनाए थे तो वो वीडियो अभी चल रहे हैं, तो मैं पेटीएम पे काम करना बंद करते हूँ। अभी अच्छे अच्छे एप्लीकेशन आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम करिए, अच्छा खासा पैसा कमाइए, ऐसी ऐसी कंपनी के पीछे दिन रात मेहनत करते रहोगे क्या है, कोई ऑफिस ज्वाइन कर लो इससे अच्छा। ऑफिस में ज्वाइन करोगे 10-12-15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये तो मिलना स्टार्ट हो जाएगा कम से कम स्टार्टिंग में,
कंपनी ज्वाइन करिए, कंपनी में अच्छा खासा बैठ के भी काम करना रहता है, और फील्ड वर्क करने करने का क्या है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं क्या हो जाए, कहीं क्या हो जाए, वो लोग कंपनी वाले तो कुछ नहीं बोलेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा आप ही जाओगे। तो दोस्तों करना ना करना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आपके अंदर हौसला नहीं है काम करने का, पहले तो हौसला रहेगा, जब फील्ड में उतरो उतरोगे काम करने के लिए, तो वहां पे आप लोगों को लगेगा कि यार काश नहीं किया होता तो ठीक था, अभी फंस गए काम करके। पूरा दिलो जान से काम करोगे ना तभी पैसा यहाँ पे कमा पाओगे, ठीक है। और ऐसे नॉर्मली सोचो कि अगर टारगेट नहीं पूरा हुआ सर तो पेमेंट क्या दे देगी, नहीं देगी भाई मेरे, पैसा नहीं देगी। और खुद जो लोग जिनको स्किल जिनका स्किल अच्छा खासा है ना सेल्स में, टूतिया बनाने वाला जिसको बोलते हैं, वही लोग इसमें सेल्स में अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे 4 दिन बंदे ने काम किया, अब उसको परेशान किया जा रहा है कि आप पेमेंट उल्टा कंपनी को दीजिए, जो बंदे ने 4 दिन समय खराब करके पेमेंट किया, पेमेंट अपना खर्चा करके काम किया, उसका पैसा जो लगा उसका कोई मतलब नहीं, बाकी आप उसको कंपनी को दे जाके पेमेंट, ये कहाँ का नियम भाई। इससे चल एवरी कर लेते 4 दिन तो कम से कम 500-500 रुपये मिल जाता, 2,000 रुपये हो रहा है तुम्हारा 4 दिन का, अभी 2,000 रुपये 4 दिन में खर्चा कर दिए होंगे काम करने के लिए, बाइक लेके गए, टाइम उतना खराब किया, कुछ अपने पेट के लिए खर्चा किया होगा। दोस्तों ये नॉर्मली मेरा वीडियो था, ये किसी को हरासमेंट करने के लिए नहीं था, सिर्फ जानकारी है दोस्तों। मैंने जब ऐसा कंपनी करती है तो स्वाभाविक सी बात है सभी लोगों को नाराजगी होती है, अरे जब पेमेंट पेमेंट करना है तो जब 1 दिन का पेमेंट लोग कर देते हैं तो कंपनी को 1 दिन में पेमेंट करने 1 दिन का पेमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि जब वो जेन्युइन कंपनी है सभी लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, आप इस लायक नहीं हो, क्या फायदा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था, कोई अपने दिल पे नहीं लेगा, ना ही किसी को मैंने सीधा टारगेट किया है। वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।